रद्द होगी राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा। इस सवाल का जवाब न्यूज 18 के पास मिल चुका है। अपने दर्शकों को बता दें कि राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द किया जा सकता है। आप सही सुन रहे हैं, दरअसल पेपर रद्द करने को लेकर पुलिस मुख्यालय की तरफ से राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। अब तक की जो जांच पुलिस की तरफ से हुई है उसमें एसओजी एडीजी विजय कुमार सिंह ने भर्ती रद्द करने को लेकर सबसे पहले पुलिस मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा और पुलिस मुख्यालय ने आगे राज्य सरकार की तरफ बढ़ाया है। अब राज्य सरकार के पाले में गेंद है, राज्य सरकार को तय करना है कि क्या इसे भर्ती परीक्षा रद्द करनी है या फिर नहीं। लेकिन अब देखिए दो चीजें हैं, अगर परीक्षा रद्द होती है तो जाहिर तौर पर दोबारा परीक्षा का आयोजन होगा, दोबारा से एडमिट कार्ड यहां पर जारी किए जाएंगे, और अगर भर्ती परीक्षा रद्द होती है तो ऐसे में उन एसआई ट्रेनीज का क्या होगा जो बिना नकल के एग्जामिनेशन क्रैक करके ट्रेनिंग ले रहे थे, क्योंकि अब तक 42 ट्रेनी गिरफ्तार हुए हैं, यानी कि जो बचे हैं 817, कुल 849 एसआई ट्रेनी की भर्ती हुई थी। अब अगर 42 आप निकाल देते हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई तो बचे 817, तो 817 ट्रेनी एसआई के भविष्य पर अब तलवार लटक जाएगी अगर परीक्षा रद्द करने का फैसला राज्य सरकार लेती है। उनके पास क्या ऑप्शन होगा? उनके पास ऑप्शन होगा कोर्ट में जाए, लेकिन ये कम से कम माना जा रहा है कि सरकार जल्द से जल्द जो 42 ट्रेनी एसआई गिरफ्तार हो चुके हैं जिनकी भूमिका संदिग्ध है, जिनसे पूछताछ चल रही, जांच पड़ताल चल रही है, उसको लेकर पहले फैसला लेगी। यानी कि उनके लिए तो जाहिर तौर पर फैसला कड़ा ही होगा, उनकी तो भर्ती रद्द ही मानी जाएगी, लेकिन 817 जो ट्रेनी एसआई है उनके भविष्य पर अब कहीं ना कहीं तलवार लटकती हुई नजर आ रही है अगर यहां पर भर्ती परीक्षा को रद्द किया जा सकता है। ऐसी संभावना क्यों है और फैसला जल्दी सरकार को क्यों लेना होगा ये भी जरा समझ लीजिए। दरअसल अकेडमी में इस वक्त एसआई भर्ती परीक्षा की ट्रेनिंग जो हुई थी उसमें जो भर्ती हुए थे एसआई उनकी ट्रेनिंग चल रही है। अकेडमी में 2 महीने के ट्रेनिंग का ही पीरियड अब बचा है, यानी कि ट्रेनिंग अब खत्म होने वाली है और इसके बाद फील्ड पर इन एसआई ट्रेनीज की ट्रेनिंग होगी। तो यानी कि 2 महीने के अंदर ही फैसला लेना होगा। अब जिस तरीके से आपने देखा था कि जयपुर में बाल भारती सेंटर से ये पेपर लीक हुआ था, उसके बाद सोशल मीडिया के जरिए तमाम लोगों तक पहुंचा था, वो नेक्सस तोड़ने की कोशिश के रूप में अभी हाल ही में बहुत बड़ी गिरफ्तारी एसओजी की टीम ने की। आपने देखा कि रामू राम नायका आरपीएससी के जो पूर्व सदस्य रहा है उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसने 7 दिन पहले ही अपने बेटे और बेटी को पेपर दिलाया था, उन्होंने भी एग्जामिनेशन क्रैक की थी और बेटा और बेटी जो कि टॉप 30 रैंक लेकर भी आए थे और ये माना जा रहा था कि इतनी होनहार नहीं है लेकिन इतनी बड़ी रैंक कैसे आ गई, इसीलिए जब शक घूमा और उसके बाद जांच पड़ताल में रामू राम रायका का नाम सामने आया। इसके साथ साथ रामू राम नायना का जो कनेक्शन है वो बताया जा रहा है कि बाबूलाल कटारा से भी निकला है। बाबूलाल कटारा बहुत ही आपको याद होगा पेपर लीक शिक्षा भर्ती का जो मामला सामने आया था उसमें वो जेल में बंद है, प्रोडक्शन वारंट पर उसको एक बार फिर एसओजी की टीम ने लिया है ताकि क्रॉस एग्जामिनेशन हो। चूंकि रामू राम रायका का कहना है कि मैंने जो ये पेपर लिया था अपने बच्चों के लिए वो बाबूलाल कटारा से लिया था। अब यहां पर जानने की कोशिश एसओजी की रहेगी कि क्या आपसी संबंध में बाबूलाल कटारा, चूंकि बाबूलाल कटारा भी आरपीएससी का पूर्व सदस्य रहा है और ऐसा पहली बार है कि एसओजी की गिरफ्त में 2 पूर्व सदस्य हैं आरपीएससी के। मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि बड़ी से बड़ी मछलियां सामने आएंगी और देखिए यहां पर बहुत बड़ी गिरफ्तारी है रामू राम रायका की। अब दोनों को हमने सामने ठाके पूछा जाएगा कि आखिरकार ये नेक्सस कहां तक है, कितनी आरोपों में सच्चाई है, जब रामू राम रायका ने जवाब दिया है उन जवाबों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि उसका सीधे सीधे यही कहना है कि बाबूलाल कटारा से उसने पेपर लिया था अपने बच्चों के लिए। अब क्या आपसी संबंधों में लिया गया या फिर पैसे देकर ये पेपर लिया गया, ये पेपर कहां तक पहुंचा, ये तमाम सवाल एसओजी की टीम जानने की कोशिश करेगी। इसके साथ साथ आपको याद होगा कि इससे पहले 60 से ज्यादा गिरफ्तारी एसआई भर्ती परीक्षा में हो चुकी है और ऐसे में लगातार यहां पर कई तरह के आंदोलन भी युवाओं की तरफ से और जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे थे उनकी तरफ से उठाए गए थे। उन्होंने कहा था कि भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए, चूंकि ये क्लियर है कि एक पेपर सेंटर से जयपुर से बाल भारती से हुआ है तो यानी कुल मिलाकर इसका दायरा बड़ा होगा, लेकिन अब सरकार को तय करना है, सरकार के पाले में गेंद है, उसे ये समझना होगा कि आखिरकार ये जो पेपर लीक हुआ है इसका कहां तक का दायरा है, उसी के आधार पर ये फैसला सरकार को लेना होगा। इससे पहले आपको याद होगा कब फरवरी में जब एफआईआर दर्ज हुई थी, सबसे पहले एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर पेपर लीक को लेकर 2 गिरोह की पहचान हुई थी और परीक्षा देने वाले 37 ट्रेनी एसआई को पुलिस मुख्यालय से एसओजी की टीम ने पकड़ा था। ये बहुत बड़ी इतने बड़े लेवल पर गिरफ्तारी थी और इसके बाद हाल ही में आपने देखा 5 और ट्रेनी एसआई की गिरफ्तारी हुई जिसमें रामू राम रायका आरपीएससी का पूर्व सदस्य, उसके बेटा बेटी भी शामिल थे
और अब ये संख्या 42 हो चुकी है, यानी कि कुल मिलाकर एसओजी की जो जांच है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन इन सब के बीच में अब ये सवाल बहुत बड़ा और गहरा हो गया है कि क्या रद्द होगी राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा, और अगर रद्द होगी तो जाहिर तौर पर 870 जो कि एसआई की ट्रेनिंग ले रहे हैं उन अभ्यर्थियों के भविष्य पर तलवार लटक जाएगी, क्योंकि 42 तो ट्रेनी एसआई गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन जो बचे हैं आखिरकार उनका भविष्य सरकार के हाथों में है। सरकार ये माना जा रहा है कि अब जल्दी फैसला लेगी, क्योंकि अब तक जो पुलिस मुख्यालय की तरफ से राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है उसमें तो साफ तौर पर कहा है कि भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए।